इंटैक उद्यान विभाग, होम साइंस डिपार्टमेंट DDU, महायोगी गोरखनाथ कृषि विकास केंद्र और GEAG के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर में इस साल सेकेंड मैंगो महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये मैंगो महोत्सव 23 तारीख को रविवार को सिविल लाइन स्थित गोरखपुर क्लब सभागार में आयोजित होगा। ये आयोजन 2:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें 1.5 घंटे का एक टेक्निकल सेशन है, जिसमें बाहर से साइंटिस्ट आ रहे हैं और उसमें आम के पेड़ों के रखरखाव, आम के पौधे का, आम फ्रूट का रखरखाव और कैसे इसको ऑर्गेनिक तरीके से यील्ड बढ़ा के इस क्षेत्र का जो आम की पैदावार है उसको बेहतर किया जा सके, इस पर एक एकेडमिक डिस्कशन होगा करीब 1.5 घंटे का। 4 बजे से 7 बजे तक एक महोत्सव टाइप का प्लान किया हुआ है, जिसमें आम की विभिन्न प्रजातियों का डिस्प्ले होगा, आम की टेस्टिंग होगी, आम के तरह तरह के व्यंजनों का सेल होगा, एक गृह विज्ञान DDU द्वारा रेसिपी कंपटीशन आयोजित किया गया है। ये रेसिपी कंपटीशन ओपन टू ऑल है। ये 3 कैटेगरीज में किया गया है। पहला कैटेगरी फूड, दूसरा कैटेगरी बेवरेज और तीसरा कैटेगरी जैम जेली एंड पिकल का है। इसमें इसका एक गूगल फॉर्म है, उसको भर के इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आम के पेड़ों का, आम से रिलेटेड जो खाद होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसके भी स्टॉल होंगे, जहाँ पे जानकारी भी दी जाएगी और प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, प्रोडक्ट सेल पे। ये पूरा एक महोत्सव टाइप का आयोजन किया गया है, तो जितने भी आम लवर्स हैं उनके लिए ये खास आयोजन है, इसमें ज़रूर आए और इस ओकेजन का आनंद लें। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग आम के रोजगार करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, चाहे नर्सरी लगाना चाहते हैं, उनको भी आप लोग आमंत्रित कर रहे हैं इस? जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने मीडिया के थ्रू, जो हमारे इसमें पार्टनर्स हैं इनके थ्रू और जो हमारे संपर्क में बागीचे के ओनर्स थे उनके थ्रू, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, इन सारे क्षेत्रों से जो आम के फार्मर्स हैं, बाग ओनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है अधिक से अधिक लोगों को संपर्क करने का, क्योंकि जो इसमें हमारे सेशंस हैं, जो इसमें हमारे यहाँ से जानकारी दी जाएगी, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इस उद्देश्य से हम आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जो भी लोग इस क्षेत्र में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हों आम की पैदावार में, आम की मार्केटिंग में, उसके उत्पादन में, वो हमारे इस महोत्सव को अटेंड करें और अधिक से अधिक लाभ लें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे लखनऊ का या मलिहाबाद का आम बहुत फेमस है, पर वहाँ पे आम की जो प्रजातियों का फार्मिंग की जाती है वो सीमित है। हमारा ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में आम की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। पिछले साल हमारा जो पहला मैंगो महोत्सव हुआ था, करीब 44 प्रकार के आम की प्रजातियों का डिस्प्ले हुआ था। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो उगाई जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। इस वजह से हमारे इस कार्यक्रम में इस लिहाज से जानकारी अच्छी दी जाएगी और लोगों को इसका ज़रूर लाभ लेना चाहिए।